हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रितु। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये डेकोरेटिव लाइट, और ये इस लाइट को आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर पे, देखिए मुझे इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया है ये, और ये है ताजमहल का। मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट ये कुछ एक साइज के बॉक्सेस मुझे मेरे पास थे तो मैंने उनका यूज कर लिया था। और आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास सेम बॉक्स हो तो आप यूज करिए, अगर आपके पास सेम साइज के और कोई बॉक्स हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मुझे कलर की ज़रूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गत्ता मुझे चाहिए, थोड़े से गत्ते चाहिए पतले, और वो भी आप कार्टन में से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने ये जो आपका बॉक्स है इसको मैंने हार्ट शेप देनी है, तो इसका मैंने फ्रंट और बैक में यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल कट कर लिया है मेजरमेंट करके। और उसके बाद फिर मैंने कटर से इसमें कुछ थोड़ी विंडोज निकाल दी हैं। देख पा रहे होंगे ये कटिंग मैंने इसमें कर दी है। आपके पास अगर ये कटर नहीं हो तो आप इसको नाइफ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई शार्प नाइफ हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डेकोरेटिव लाइट जैसे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया ओपन चाहिए होगा जिससे लाइट इसमें से बाहर आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर दी है। ये रैंडम शेप बनाई है मैंने, कोई इसमें लाइनिंग या मेजरमेंट नहीं किया है, और आप भी इसको इसी तरह से रैंडम शेप बना सकते हैं। फिर मैंने इसको कलर कर दिया, देखिए वाइट, और यहाँ पे मैंने 11 पीसेस बनाए हैं सेम। कुछ में कटिंग आगे पीछे अगर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी हुई है तो, बट ये है मेन पर्पस, ये है इस कटिंग का कि लुक जो है मुझे इसमें हट लुक देना है इसको। अब देखिए, जैसे मैं आपके आपसे बात कर रही थी गत्ते के बारे में, तो यहाँ पे जो मैंने कार्टन का ये एक गत्ता लिया है उसका आपने देखा होगा कार्टन के बीच में एक जिगजैग सा फॉर्म आता है, तो उसको मैंने वहाँ से हटा दिया है और उस चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया है जो आपकी हट लुक देने के लिए, ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए, देख पा रहे होंगे आप। और उसमें मिडिल में मैंने इसमें यहाँ पे होल किया है जिससे मैं यहाँ से वायर निकाल पाऊँ, और इसको मैं ग्लू गन से यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। इसका मेजरमेंट जो मैंने लिया है वो यहाँ पे जो हट के ऊपर का ट्राइंगल है उसके बेसिस पे लिया है, आप उसी हिसाब से लीजिए जैसे आप बॉक्स लेना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 11 लिए हैं, और 11 बॉक्सेस के लिए मैंने 11 इसके रूफ तैयार कर लिए हैं जिसके बीच में मैंने होल कराए हैं, और उसके बाद फिर मैंने इस पे वाइट कलर कर दिया है, और ये वाइट कलर एजेस पे भी मुझे बहुत अच्छे से करना है जिससे अंदर से वो ब्राउन कलर इसका जो हमारा गत्ता है कार्टन का उसका दिखाई ना दे। तो मैंने देखे एजेस भी बहुत अच्छे से करते हैं, मिडिल से फोल्ड करके इसको यहाँ पे हमें फिक्स करना है। अब देखिए, आई बारी हमारी ये इसमें लाइट फिक्स करने के लिए, तो एक एक जो रूफ है उसमें जो मैंने होल किया था उसके अंदर मैंने ये वायर को पूरा डाला है। मैंने दो हट के बीच में एक भी लाइट नहीं रहने दी है, केवल वायर ही दिखाई देगा यहाँ पे, और लाइट जाएगी पूरी इन जो ये मैंने घर टाइप के बनाए हैं, हट टाइप की बनाई है उसके अंदर। देखिए, ये मैंने डाल दिया है यहाँ, और उसके बाद मैंने ये पूरा जितनी भी मुझे लाइट है यहाँ पे इसके अंदर डालनी है, जो बल्ब है वो इसके अंदर डालने हैं, वो मैंने इसमें प्लेस कर दिए हैं अंदर। और प्लेस करने के बाद ऊपर से इसको रूफ को मैंने इस पे कवर करके और इसको ग्लू गन से आगे पेस्ट कर दिया है, ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट किया है, और पीछे मैंने इसको टेप से इसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे ग्लू गन बहुत ध्यान से लगाइएगा, एज बहुत पतली है इसकी तो थोड़ा टाइम लगता है, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, तो हम इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये फिक्स करने में थोड़ा सा आपको ये है कि एजेस को अच्छे से उसको फिक्स कर दीजिए ग्लू गन की हेल्प से। देखिए, ये मैंने एज पे लगाया और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसको मैं थोड़ा सा पकड़ के रखूंगी तो आराम से ये फिक्स हो जाएगा। ये लाइट बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद,
आप इसको बर्थडे पार्टी में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं आप लोग। अभी जैसे क्रिसमस आ रही है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, न्यू ईयर पे यूज़ कर सकते हैं, और दिवाली पे तो आप यूज़ कर ही सकते हैं इसे। तो देखिए, इसी तरह से मैं सारी ये लाइट इसके अंदर, इन हट के अंदर डाल दूंगी, और फिर मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने इसके रूफ में कट कर लिया है, और इसको मैं जो आपका प्लग वाला साइड है उससे एंटर कर रही हूँ, और एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको, जो ये हमारा, मेरे पास ये लास्ट बची थी, इसको भी मैं इसमें फिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे फिक्स करने के बाद सारा मैंने जितनी लाइट मेरे पास इसमें बल्ब बचे थे वो मैंने सब इसके अंदर डाल दिए हैं, और डालने के बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी इसकी रूफ। उसी तरह से आगे से मुझे ग्लू गन से इसको फिक्स करना है, और पीछे मुझे इसमें लगाना है टेप, और ये मेरी पूरी झालर तैयार हो जाएगी। देखिए, टेप से मैंने पीछे फिक्स कर दिया है, और आगे मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज किया है। बस ग्लू गन का यूज करें तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ी सी देर इसको पकड़ के रखना है जिससे ये फिक्स हो जाए, नहीं तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्वियसली अगर ये डेकोरेटिव लाइट है तो कहीं ना कहीं हैंग करनी है, और इसको थोड़ा सा फिक्स होने में टाइम लगेगा, तो हम इसको एजेस को पकड़ के रखेंगे। देखिए, रेडी हो गया, और यकीन मानिए मेरा, बहुत टाइम नहीं लगा इसको बनने में, बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। आप कहीं भी, ये मैंने अपने आउटर एरिया में लगाया हुआ है, रात को जो आपसे शेयर किया था मैंने, जहाँ पे मैंने मेरे प्लांटर्स रखे हुए हैं वहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, बहुत सुंदर लग रही थी लगने के बाद। और उसके अलावा अगर आप किसी ट्री पे भी इसको लगाना चाहें तो उस पर भी लगा देंगे, उसका भी मैंने लगाकर एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। और लगने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही है, और बहुत जल्दी बनती है। आपको यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ मैंने किया है, और डबल कोट किया है मैंने एक्रेलिक कलर का, जिससे बहुत अच्छा आईसी वाइट कलर इसका आ गया है। देखिए, ये मैंने ट्री पे लगाया है, बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। प्लीज़ शेयर करिए कि आपको कैसा लगा ये, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।